दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे सिनकॉम फार्मूलेशन की। तो यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने आपको डिविडेंड पे नहीं किया है। अब डायरेक्ट चलते हैं डायरेक्ट कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूँ तो हमारे पास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 5,000 लाख का। लास्ट क्वार्टर में था 6,500 लाख का और लास्ट ईयर था 2,900 लाख। तो हमारे पास कंपनी का रेवेन्यू जो है क्वार्टरली वाइज कम हुआ है, लेकिन ईयरली वाइज यहाँ पे हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ भी देखने को मिला है। उसके बाद बात करें यहाँ टोटल इनकम की, तो 5,200 लाख की टोटल इनकम है। लास्ट क्वार्टर में 6,900 लाख की थी, लास्ट ईयर थी 3,000 लाख की। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम भी इंक्रीज़ हुई है ईयरली वाइज, हालांकि क्वार्टरली वाइज यहाँ पे हमें थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं हमारे पास कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो 4,500 लाख एक्सपेंसेस है। लास्ट क्वार्टर में 5,800 लाख के थे, लास्ट ईयर थे 2,600 लाख एक्सपेंसेस। तो हमारे पास कंपनी के एक्सपेंसेस भी क्वार्टरली वाइज इंक्रीज हुए हैं, ईयरली वाइज यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद बात करें हमारे पास कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो हमारे पास 720 लाख का प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर 1,000 लाख का हुआ था, लास्ट ईयर था 398 लाख का। तो हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट जो है ईयरली वाइज अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, हालांकि क्वार्टरली वाइज यहाँ पे हमें थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन हम बात करेंगे कंपनी के मेन प्रॉफिट की, जिसमें कंपनी के सभी टैक्सेस वगैरह निकाल के जो मेन हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया वह 539 लाख का। लास्ट क्वार्टर में था 694 लाख, लास्ट ईयर था 296 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली वाइज कम हुआ है, लेकिन ईयरली वाइज यहाँ पे हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ भी देखने को मिला है। उसके बाद बात यहाँ अर्निंग पर शेयर की करें तो 0.08 पैसे अर्निंग है। लास्ट क्वार्टर में 0.09 पैसे थी, उससे पहले थी 0.04 पैसे। तो यहाँ हमारे पास कंपनी की अर्निंग ईयरली वाइज डबल हुई है, हालांकि क्वार्टरली वाइज हमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है। देन उसके बाद बात करूँ हमारे पास कंपनी के टोटल एसेट्स की, तो जो टोटल एसेट्स हमारे पास है 28,000 लाख के, लास्ट ईयर थे 29,000 लाख। तो यहाँ हमें थोड़ी एसेट्स में गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस ईयरली वाइज काफ़ी अच्छी है, हालांकि क्वार्टरली वाइज थोड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। बाकी दोस्तों आपको रिजल्ट्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।